महसूस इससे पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और 8 जजेस की तकरारी का मामला। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान की आम मुलाकात। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने केसेस के हवाले से लीगल टीम को भी भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जारी। लीगल टीम ने मखसूस नशस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। अदालत उस्मा के मुख्तसर फैसले में कुछ उभाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग का यह भी कहना था कि उभाम दूर करने के लिए इन चैम्बर रिजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। इद्दत निकाह केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरी चैलेंज। खाबर मालिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सेशन कोर्ट का फैसला करदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत वफाक फरीक। सेशन कोर्ट ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस से बरी किया था। और नवाज शरीफ का पार्टी में डिसिप्लिन कायम करने का फैसला, तमाम रहनुमा पार्टी मौके पर फैसलों के पाबंद होंगे। जाती राय के बजाय पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन अख्तियार करना होगी। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में जाती राय दी जा सकेगी। मीडिया और पब्लिक मकामात पर सबका एक ही मौके होगा। शिकस्त खाने वाले आम रहनुमाओं को वफाकी पंजाब हुकूमत में मौका देने पर गौर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।